वेल, अगर दोस्तों आप लोगों ने ऑनलाइन पीडीएफ के थ्रू अपने आधार कार्ड को डाउनलोड किया है, बट जब भी आप अपने आधार कार्ड पीडीएफ को ओपन करने जाते हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ ओपन करने के लिए पासवर्ड पूछा जाता है। बट दोस्तों आपको ये नहीं मालूम है कि आपके आधार कार्ड पीडीएफ का पासवर्ड क्या है, तो डोंट वरी दोस्तों, बस वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आज के इस वीडियो को देख लेते हो तो आप जान जाओगे कि आपके आधार कार्ड पीडीएफ का पासवर्ड क्या है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो चले कर लेते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड। दोस्तों आधार कार्ड पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको बस दो चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट दोस्तों ये कि आप जिस भी बंदे का आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हो उसका नाम क्या है आधार कार्ड पे, एंड सेकेंड थिंग उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है आधार कार्ड पे। अगर ये दो चीज़ आपको मालूम है तो अच्छी तरह से दोस्तों आप अपने आधार कार्ड पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज डैट दोस्तों आपका आधार कार्ड पे नाम विवेक है एंड आपका डेट ऑफ बर्थ 1990 है, तो यहाँ पे आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका विवेक जो है, विवेक का फर्स्ट 4 डिजिट नंबर कैपिटल में आपको लिखना है। सपोज विवेक है तो VIVE, तो ये हो गया आगे का 4 लेटर। एंड लास्ट में आपको लिखना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, सपोज डैट आपका डेट ऑफ बर्थ है 1990 या फिर 1992, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। सिंपली से अगर आपका नाम विवेक है तो विवेक का आगे का 4 लेटर, जैसे मैंने आपको बताया VIVE, वो सारे कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में नहीं होना चाहिए। एंड कोई भी स्पेस नहीं देना है VIVE लिखने के बाद, कोई भी स्पेस आपको नहीं देना है। एंड उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सिंपली से आपको उतार देना है। एंड आज आसानी से दोस्तों आपका जो भी पीडीएफ है वो आसानी से खुल जाएगा एंड आप अपने आधार को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों मैं एक दो और एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, बिकॉज आपको पता ही होगा कि अपने इंडिया में, अपने देश में कितने तरह का नाम है, अब्दुल है, मिस्टर है, मिसेज है, इस तरह के कितना भी नाम है। सपोज डैट आपका नाम है MD अब्दुल, तो यहाँ पे आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा? MD अब्दुल आपका नाम है एंड आपका डेट ऑफ बर्थ है 1990, तो यहाँ पे आपका पासवर्ड होगा दोस्तों MD एंड AB, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि आगे का 4 लेटर होना चाहिए, तो MD हो गया 2 एंड AB हो गया 2, स्पेस नहीं देना है, कैपिटल में होना चाहिए, हो जाएगा MDAB और जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है 1990 ही है, तो ये आपका पासवर्ड हो गया। तो एक एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल और लेके समझाता हूँ मैं। सपोज डेट आपका नाम है रिया, मतलब आप इमेजिन कर लो आप लड़की हो, आपका नाम रिया है, तो आपका नाम रिया है तो आपका जो नाम का स्पेलिंग होगा वो होगा RIA, तो वो आपका 3 लेटर है, तो वो कैसे ओपन होगा? तो उसको ओपन करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों? सिंपली से आपको कैपिटल में रिया लिख देना है एंड जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है 1990 1992, सिंपली से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लगा देना है। वो पता है मुझे रिया 3 ही लेटर का है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, बिकॉज नाम ही इतना है तो उससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। सिर्फ आपको RIA रिया उनका डाल देना है, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना, आसानी से खुल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरह से अपने आधार कार्ड पीडीएफ को ओपन कर सकते हो, किस तरह से अपने आधार कार्ड पीडीएफ का पासवर्ड जान सकते हो। एंड साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, बिकॉज दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड साथ ही आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इस तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।